नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की तमाम बड़ी खबरें जो लेटेस्ट अपडेट में शामिल हैं आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, जहां पर अमित शाह की रैली में हुआ जमकर विरोध प्रदर्शन, और वहीं दिल्ली विधानसभा को लेकर भी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुँचाएंगे इसी वीडियो में। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में ही बेल के भी आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए सभी बड़ी खबरें आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको दोस्तों बताते चलें, CAA, NPR और NRC का विरोध करने वाले सभी दल साथ आए चिदम्बरम। जी हाँ दोस्तों, पी चिदम्बरम की तरफ से बड़ा बयान निकल के आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि असम NRC घटनाक्रम के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने तुरंत गेयर बदल लिया है और अब NPR की बात कर रही हैं। आपको बता दें, चिदम्बरम ने कहा कि NPR और कुछ नहीं बल्कि NRC का ही दूसरा रूप है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य संशोधित नागरिकता कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NPR की गलत मंशा से लड़ना और उसके खिलाफ जनता के लिए विचार को गति देना है। आपको बताते चले आगे, पी चिदम्बरम ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है कि हम अप्रैल 2020 से शुरू हो रहे NPR पर सहमत नहीं होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि CAA की संवैधानिक वैधता उच्चतम न्यायालय को तय करनी है। चिदम्बरम ने कहा, हम NRC और CAA के खिलाफ लड़ रहे हैं, अभी एक साथ तो कभी अलग अलग, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लड़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि NPR और CAA और NRC के खिलाफ सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वे साथ जरूर आएंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आई, पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से। चलिए आपको दोस्तों अगली खबर बताते हैं। हुबली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह को दिखाए काले झंडे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कर्नाटक के हुबली में रैली को संबोधित किया। इस दौरान CM येदुरप्पा भी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह को दिखाए काले झंडे और नारे लगाए गो बैक। जहां दोस्तों गो बैक अमित शाह के, और यहां पर काले झंडे भी दिखाए गए हैं। आपको बताते चले पूरे देश में जगह जगह इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहा है संशोधित नागरिकता कानून और NRC का। तो ये बड़ी खबर निकल के आई, अमित शाह की रैली में गो बैक के नारे लगे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों CAA पे, जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली खबर भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हिंदू युवा वाहिनी नेता सुनील सिंह, कहा योगी आदित्यनाथ युवाओं के सपनों के हत्यारे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर कई नेता सपा में शामिल हुए, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी का सपा में विलय हुआ और अध्यक्ष सुनील सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आपको बताते चाहे दोस्तों, बड़ा आरोप लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, कहा है कि सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं, नौजवान परेशान हैं और युवाओं के सपनों के हत्यारे हैं CM योगी। सुनील सिंह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस सरकार ने नौजवानों के सपनों की हत्या की, उनके भविष्य की हत्या की है, नौजवानों की ऊर्जा का शोषण किया है। जिस तरह से रावण ने सीता का हरण किया था, वैसे ही भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के सपनों का हरण किया, उनके भविष्य का हरण किया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि सुनील सिंह के आने के बाद अब चिलम नहीं जलेगी। वहीं नागरिकता के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा अखिलेश यादव ने और कहा है कि देश में जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं उसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की है, नागरिकता संशोधन कानून लाकर। तो यहां पर अखिलेश यादव की पार्टी में इस समय तमाम नए नेता शामिल हो रहे हैं और अखिलेश यादव की शक्ति एक तरह से बढ़ती ही जा रही है। और आपको अगली खबर बताते हैं दोस्तों, दिल्ली में CAA का विरोध करने वालों पर लग सकता है रासुका, महीने भर हिरासत में रखेगी पुलिस, LG ने दी हरी झंडी। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है। यही नहीं, रासुका के तहत किसी भी शख्स को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार की तानाशाही हो रही है बीजेपी सरकार के द्वारा और LG के द्वारा, अधिसूचना भी जारी कर दी गई है दिल्ली में।
रासुका लगा सकती है पुलिस किसी पर भी। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, यह अधिसूचना सही है या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आपको अगली खबर बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर दिल्ली बीजेपी में असंतोष, कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा के घर के बाहर किया प्रदर्शन। आपको बताते चाहे दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान दिल्ली छावनी के पार्टी समर्थकों ने अपने नेता को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के सामने धरना दिया। आपको बताते चाहे दोस्तों, दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। तो देख सकते हैं बीजेपी में अंदरूनी घमासान मचा है टिकट को लेकर और बीजेपी नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। तो अगली खबर आपको बताते हैं दोस्तों, सीएए पर कपिल सिब्बल के बयान के बाद बोले सलमान खुर्शीद, स्थिति संदेहास्पद। संशोधित नागरिकता कानून पर सिब्बल ने बयान दिया था, कोई भी राज्य इसे लागू करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि यह संसद द्वारा पास किया गया है। उसी टिप्पणी पर अपनी राय रखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सीएए की संवैधानिक स्थिति संदेहास्पद है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वह कानून की किताब में कायम रहेगा और अगर कुछ कानून की किताब में है तो उसे सभी को मानना होगा। खुर्शीद ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा कि संशोधित नागरिकता कानून पर राज्य सरकारों की अलग अलग राय है, उन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई घोषणा का इंतजार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई संशोधित नागरिकता कानून पर। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जानिए क्या है पूरा मामला। लखनऊ की एक विशेष अदालत ने भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ वर्ष 2015 में हुए एक प्रदर्शन के सिलसिले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 फरवरी की तारीख नियत की है। कांग्रेस नेता ने अगस्त 2015 में राजधानी स्थित लक्ष्मण मेला मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसी दौरान करीब 5,000 पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने विधानसभा की तरफ कूच भी किया था। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी तो उन पर पथराव किया गया था। इस घटना में पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आम लोगों को भी चोटें आई थीं। रीता बहुगुणा जोशी उस समय कांग्रेस की नेता थीं। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 25 दिसंबर 2015 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, मगर उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले में त्वरित निपटारे के आदेश के बावजूद रीता और कांग्रेस नेता समेत कई लोग अदालत में हाजिर नहीं हुए, इस वजह से उन पर आरोप तय नहीं हो सके। अदालत ने इसे न्यायिक कार्रवाई का उल्लंघन मानते हुए रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं, वहीं दोस्तों बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर को 10 दिन में गिरफ्तार कर पेश किया जाए, कोर्ट ने दिया है आदेश। आपको बताते चलें, फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर की गिरफ्तारी का वारंट 27 साल पुराने केस में कोर्ट ने कहा 10 दिन में अरेस्ट कर कोर्ट में किया जाए पेश। आपको बताते चलें दोस्तों, मामला 3 जनवरी 1993 का है। उस वक्त कांग्रेस नेताओं की वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस रोककर प्रदर्शन और तोड़फाड़ की थी। आपको बताते चलें, ट्रेन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया भी सवार थे। जीआरपी ने इस मामले में 93 लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट के अलावा जानलेवा हमला और तोड़फाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया था। बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। आपको बता दें, इसी मामले में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर को 10 दिन में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश दिया है। तो चलिए अगली खबर बताते हैं आपको, दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाएं, क्या है पूरा मामला। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संशोधित नागरिकता कानून एनआरसी तथा एनपीआर कानून के खिलाफ महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और महिलाओं का प्रदर्शन हुसैनाबाद में स्थित घंटाघर पर हो रहा है। महिलाएं अपने मासूम बच्चों के साथ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं मांग भी की जा रही है उनकी तरफ से कि सरकार इस कानून को वापस ले तथा महिलाओं द्वारा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की भी बात कही जा रही है। तो देख सकते हैं
दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं संशोधित नागरिकता कानून एनपीआर तथा एनआरसी के विरोध में। तो दोस्तों ये अभी तक की सभी बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक पर भी शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत